हेलो फ्रेंड्स, एक और प्राइम वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक एप्लीकेशन आता है पिक्सल लैब, जो कि मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, उसके बाद आप अपने पिक्सल लैब को एप्लीकेशन को ओपन करें, जैसा कि मैंने ओपन कर चुका हूं। उसके बाद आप थ्री डॉट पे क्लिक करें। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आता है कि इमेज साइज। इमेज साइज में देख रहे हैं कस्टम है। कस्टम में जाकर इसको जो है यूट्यूब थंबनेल में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लें। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, जो यूट्यूब का जो थंबनेल का जो साइज होता है वो साइज मेरा आ चुका है। उसके बाद आप जो है प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे प्लस के साइन पे। प्लस के साइन पे देख रहे हैं आप टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यदि आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो अपने गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद देख रहे हैं, जैसा कि मेरा ये इतना इमेज है, हमने इस इमेज को उठा लिया। इसके बाद आप इसको सेप साइज में कर सकते हैं कन्वर्ट। यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो अपने से भी कर सकते हैं। उसके बाद सही पे क्लिक करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं इसको जो है इधर उधर कहीं भी कम बेसी छोटा कर सकते हैं। तो गैलेक्सी A14 5G सैमसंग का है फ़ोन। और उसके बाद फिर हम एक और गैलरी से एक और इमेज को उठाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग इसको जो है अपने तरीके से भी इसको जो है सेट कर सकते हैं। जैसा कि कर लिया हूँ, उसके बाद सही पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हम लोग गैलरी से दो इमेज उठा चुका हूँ। उसके बाद फिर एक और इमेज उठाना चाहते हैं तो फ्रॉम गैलरी से जाएंगे। उसके बाद मैंने इस इमेज को उठा लिया हूँ। उसके बाद इसको हम अपने साइज़ में कन्वर्ट कर लिया हूँ। कन्वर्ट कर लेने के बाद सही पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि तीन तीन पिक को हम अपनी गैलरी से ले लिया हूँ। एक और पिक है, जितना भी आपको लेना है ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको भी लेना चाहते हैं तो इसको मैंने ले लिया हूँ। पिक को सही पे क्लिक किया हूँ, ये हो गया। एक और पिक मैं गैलरी से लेना चाहता हूँ, ये मनी का। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग इसको अपने साइज़ में कन्वर्ट कर लिया हूँ और सही पे क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद आप जो है, जैसे कि इतना पिक को कन्वर्ट करके आप इसको छोटा भी कर लिए हैं, इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं डॉट डॉट आ जाता है। डॉट डॉट को आप ऐसे कम वैसे अपने साइज़ को जो है कर सकते हैं। ये साइज़ को हमने कन्वर्ट कर लिया हूँ कम में, जितना ज़रूरी है उतना साइज़ में हम लोग कर सकते हैं। अब हमको कुछ लिखना है तो फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। ऊपर सबसे पहले दिख रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेन का साइन दिख रहा है, पेन पर क्लिक करेंगे। फिर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा यहाँ खुल के आ गया है। हम इस पर लिख सकते हैं, इसको जो है नेक्स्ट डिलीट कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे सैमसंग मोबाइल्स A14 सैमसंग मोबाइल A14। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं मेरा टेक्स्ट आ चुका है बनकर, और हम लोग इसको जो है छोटा बड़ा भी साइज को कर सकते हैं। देखिए जैसा कि ये डॉट पे जो डॉट है उस पर अपने फिंगर को रख के कम बेसी कर सकते हैं। सैमसंग मोबाइल्स A14। अब इसको जो है हम कलर चेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे में 1 2 3 4 लोगो है, उस पर से ए पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे खुल के आ चुके हैं। तो इस पर हम लोग जाएंगे, सबसे पहले कलर पे जाएंगे। कलर पे देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा कलर्स का दिया हुआ है। जैसे हमने येलो कलर को ले लिया हूँ, या आप और भी कोई कलर ले सकते हैं। कलर को चूज करने के बाद सही पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये मेरा कलर आ चुका है, सैमसंग मोबाइल A14। उसके बाद ये जो है टेक्स्ट को भी अगर सेव चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं
फ्रंट पे क्लिक करेंगे। फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो इतना टाइप्स के उस राइट को फ्रंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमने एक्लोजमेंट के साइज में करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरा सैमसंग मोबाइल A14 वो चेंज हो चुका है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरा जो है शेप चेंज हो चुका है, कुछ छिप गया है तो इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद देखिए ये दिखने लगा है दोस्तों। उसके बाद अगर ये हो गया, उसके बाद हम लोग जो है इसको अगर 3D में अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 3D का भी टेक्स्ट दिया हुआ है। ऐसे 3D पे क्लिक किए, इसको इनेबल्ड कर दिए। इनेबल्ड करने के बाद हम लोग देख सकते हैं ये 3D में आ चुका है। या इसको आप और कम बेसी भी कर सकते हैं, यहाँ से जितना हम लोग अपना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद फिर सही पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरा सैमसंग मोबाइल A14 जो है 3D के शेप में आ चुका है। आप इस पे जो है आप अपना शेडो भी देना सकते हैं, दे सकते हैं इनर शेडो आउटर शेडो। देखिए शेडो भी आ चुका है। उसके बाद आप जो है इसको जो है कम बेसी भी कर सकते हैं, छोट जिस साइज में आपको चाहिए उस साइज में आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए अगर इस पे जो है हम लोग इस मोबाइल को यदि हमको डिलीट करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन डिलीट का है, यहाँ पे जाएंगे उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो गया। जिसको भी हमको अगर डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, ओके साइन पे जाएंगे उसके बाद ओके करेंगे डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है थंबनेल को यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए।